पुलिस की इस गाड़ी पर गोलियों के निशान, जिनकी गिनती करते करते थक जाएं, जिसने एक साथ एक कोतवाल और दो क्राइम ब्रांच के जवानों को अपना निशाना बनाया। और निशाना बनाने वाला था इनामी बदमाश, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ताक में बैठी थी। लेकिन जैसे ही बाइक सवार बदमाश ने पुलिस को देखा, उसने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बलरामपुर में हुई पुलिस और बदमाश के बीच इस मुठभेड़ में पुलिस के जवान घायल हुए हैं, तो वहीं बदमाश को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उसे भी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये है कि आज ये सूचना मिल गया है कि सबकी फोर्स को हम लोगों ने कॉर्डन ऑफ कराने के लिए किया। इसी दरमियान इंस्पेक्टर रौला की टीम उसका इस बदमाश के साथ आमना सामना हुआ। पुलिस को बदमाश के पास से दो असले, बाइक और लूट के 20,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। वहीं मुठभेड़ की सूचना मिलते ही डीआईजी देवी पाटन मंडल अनिल कुमार राय, एसपी राजेश कुमार समेत आला अधिकारियों ने देर रात घटना स्थल का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती पुलिस कर्मियों का हाल जाना। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, बलरामपुर।